इतना अच्छा महसूस हुआ, जिस तरह के हम ये मान के चलो कि स्वर्ग में आ गए। ऐसा ना भूतो ना भविष्य, पहले कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी श्री जगन्नाथ महाराज की कृपा होगी। लेकिन हम अपने पूरे काफिले के साथ आए हैं, लगभग 18 आदमी, हरियाणा जिला सोनीपत, हरियाणा गांव खरखोदा से आए हैं। ऐसा कभी भी विचार भी नहीं हुआ था, लेकिन पता नहीं किसकी कृपा से, बाबा की कृपा से, और आज 2:30 बजे रात को उठ करके स्नान किया और 4 बजे इधर दर्शन करने के लिए आ गए। अच्छा, बहुत सारे लोगों के ये मानना है कि जगन्नाथ जी किसी भी रूप में आके उनका जो हेल्प करते हैं, मतलब कोई भी उनके अंदर इच्छा है तो वो पूरा करते हैं, कुछ अधूरा रह गया तो भी पूरा करते हैं, तो आपके साथ अगर ऐसा कुछ हुआ है थोड़ा बताएंगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। हमने विचार किया, मैं कहा भाई जगन्नाथ पुरी के बारे में पहले सुना था, देखा नहीं था, तो विचार किया, मगर बाबा कि आपकी विशेष कृपा होगी हम पर। बस सच पूछो तो केवल 24 आवर के अंदर इतनी दिमाग के अंदर बात आई कि भाई जगन्नाथपुरी चलो। मैंने अपने दोस्तों से, अपने नज़दीकियों से बताया, तत्काल उसी समय तैयार हो गए, टिकट की रिजर्वेशन किया जा करके सोनीपत से, और अगले ही दिन हम विजिट के लिए निकल दिए। इससे बड़ा और प्रूफ क्या होगा, जबकि हम अपना कारोबार में कोई ध्यान ही नहीं है, जितना अब है ही नहीं ध्यान। ऐसा अनुभव ना भूतो ना भविष्य, ना पहले कभी हुआ ना आगे होने की संभावना, जितना बाबा की कृपा से अब यहाँ पे हुआ है। जो सोच के आए थे वो पूरा हुआ। सोच के आए थे कि जन्माष्टमी के दिन दर्शन करेंगे, लेकिन बहुत अच्छा हुआ हमारा दर्शन। पूरा कैसे फीलिंग्स रहा जगन्नाथ जी को देखते हुए? खूब अच्छा रहा, कि कभी सोचा भी नहीं था कि हम इतनी बड़ी यात्रा पाएंगे, इतने अच्छे से दर्शन होंगे। अच्छा, ये मौका मिला हमने पहली बार जी। आप लोगों से भी जानना चाहेंगे, थोड़ा आप भी आइए। हाँ, पहले कभी दर्शन किए? नहीं, पहली बार दर्शन करिए, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, पहली बार की जो दर्शन की जो अनुभूति है थोड़ा? बहुत खुशी हुई, कभी सोचा नहीं था कि दर्शन हो जाएंगे, ठीक, बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं। कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। अब तो और भी अच्छा लगा, सब कुछ मिल गया जैसे। हाँ, लेकिन भीड़ बिल्कुल नहीं है। अच्छा मैडम, आप भी थोड़ा आइए, आप भी थोड़ा आइए आगे। जगन्नाथ जी के आँख के साथ आँख मिला कि नहीं? बहुत अच्छे से दर्शन हुए, बहुत सुख शांति मिली मन को, बहुत अच्छी तरह से बैठ के आए, आराम करके आए हैं उसके आगे। आपकी ये पहली बार है? पहली बार आए। थोड़ा भाई से भी जानना चाहेंगे। अच्छा, कैसे दर्शन रहा? बहुत अच्छे, सामने से है बिल्कुल। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते? 8th में। अब से जगन्नाथ जी के प्रति कितना विश्वास है? हाँ, पूरा। अच्छा, पढ़ाई के बाद वक्त कभी जगन्नाथ जी को सोचे कि नहीं? मतलब मेरे तो एग्जाम चल रहे थे अभी, मेरे 3 एग्जाम छूट गए पहले। हाँ, 3 एग्जाम छूट गए मेरे पहले के, मैं काम पाएंगे। एग्जाम छूट गया। अच्छा, अच्छा, ये विश्वास जो है जगन्नाथ जी के प्रति कब से है? मैं तो पहले से, बचपन से मेरा तो, मैं पहले से आता जा रहा हूँ। अच्छा, कभी उनको देखे नहीं थे? नहीं। आज दर्शन की अभिलाषा जो पूरा हुआ, कैसे मतलब खुशी रहा? बहुत अच्छी। और कभी ऐसे महसूस किए हैं कि जगन्नाथ जी किसी भी रूप में आपकी हेल्प की हो, आपकी पढ़ाई में हो या फिर किसी और काम में भी? हाँ, बहुत बार पढ़ाई में भी आ जाते हैं, कई बार तो हो जाते हैं। हम बिल्कुल बिल्कुल सोनीपत हरियाणा से आए हैं। अच्छा, दर्शन की अनुभूति बताइए। बहुत बढ़िया दर्शन हुए, बहुत ही बढ़िया, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हम लोग, इतने अच्छे दर्शन हुए हैं। पहले आप भी दर्शन नहीं किए? नहीं, पहले कभी दर्शन नहीं किए। ये हमारे गुरुजी महाराज हैं, इन्होंने हमारे को बताया कैसे से बात है, पापा के चलने का अगर विचार है तो बताओ। हाँ जी, हमने भी तुरंत टिकट नहीं मिली, आए सी करा कर फिर भी आए। पापा के बहुत अच्छे दर्शन हुए इस बाबा की, बहुत बहुत मेहरबानी है इस बाबा की, बहुत बहुत मेहरबानी है, इसने बहुत अच्छे दर्शन दिए हमें, बहुत बढ़िया जी, शुक्रिया, धन्यवाद। बिल्कुल खड़ा बताइए, आपके नाम बताइए। विवान। कहाँ से आए हैं? मुजफ्फरपुर से, दिल्ली। अच्छा, दर्शन हुआ? हाँ। किसको दर्शन किए? जगन्नाथ भगवान जी को। विश्वास करते हैं उनको? हाँ। अच्छा, प्रणाम किए कि नहीं उन्हें? करा। अच्छा, बताइए कैसा फीलिंग्स रहा, कैसा अनुभूति रहा, मतलब देख के कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
सिर्फ बहुत अच्छे या और कुछ? मेरे भी पेपर चल रहे थे, उनको परीक्षा दी, उनको छोड़ के आया मैं भी। एग्जाम नहीं दिया? आप केवल दर्शन करने के लिए जाकर? अच्छा।